हेलो एवरीवन दिस इज सिद्धार्थ पटेल वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स सो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसमें जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बची थी उन्हें हम वन बाय वन कवर अप कर रहे थे सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ये पार्ट कैसे हुए क्योंकि इनका जो आर्टिकल है इनका जो ओरिजिन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल सेवेंटी ने अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की है तो जिस भी जिस जिस भी बॉडी का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये आपको क्लियर होगा कि व्हाट व्हाट इज इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन क्या होता है द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 सिक्स प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही इज द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्लियर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट मेनली हम इन्हें कह सकते हैं देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को समझना है तो हम मेनली कह सकते हैं कि ये सरकार के वकील हैं और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिस है क्योंकि सरकार की सरकार के लिए केस लड़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में से जो सरकार के खिलाफ केस होते हैं ना उनको कौन हैंडल करते हैं उनको ये हैंडल करते हैं क्लियर है तो ये गवर्नमेंट के वकील हैं ठीक तो इन्हें हाइएस्ट लॉ ऑफिस बोला जाता है क्लियर है

क्लियर है ये हमने जुडिशरी में देखा था एक बार जाके इसको रिवाइज कीजिएगा ये जो एमिनेंट जुरिस्ट वाला है वो हाई कोर्ट के जज के लिए नहीं था रिवाइज करिए चीज़ों को जो हमने ये देखा ना या फिर एक एमिनेंट जुरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज केस के में है हाई कोर्ट के जज केस में नहीं है क्लियर है अटॉर्नी so, जनरल कौन है उनको अपॉइंट कौन करता है और अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होगी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में यही बताया गया है ही मस्ट बी अ जज उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके ठीक क्लियर है द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अब इनके टर्म जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है जैसे हमने देखा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है कि या तो पांच साल 65 years, या साल 65 इयर्स या छह साल या 65 इयर्स ठीक है यूपीएससी वगैरह सबकी सबके मेंबर्स की टर्म ऐसे फिक्स हमने देखते आए हैं ना कि उन सबके मेंबर्स की टर्म फिक्स रहेगी ये एज रहेगी लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कोई भी टर्म फिक्स नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्लियर है फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डस नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स ऑफ हिज रिमूवल और जब टर्म भी फिक्स नहीं है तो साथ साथ में इनके रिमूवल के कंडीशंस और ये सारी चीजें भी फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सारी चीजें मेंशन नहीं है कि इनके ग्राउंड्स क्या होंगे रिमूवल के ये सारी चीजें कुछ भी मेंशन नहीं है क्लियर है ये वाली चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल है देन ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अब हमने यहाँ पे देखा कि जब सारी चीजें फिक्स नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर और ग्राउंड फॉर इज रिमूवल नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी टर्म फिक्स नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सारी चीजें प्रेसिडेंट की विल प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार होगी और इसमें क्या प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे जी नहीं प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर तो सारी चीजें यहां पे कौन डायरेक्ट करेगा अटॉर्नी जनरल से सीओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर ये सारी चीजें कि कौन अटॉर्नी जनरल होंगे उन्हें कब रिमूव करना है ये सारी चीजें इसका मतलब यह है कि इफ ही होल्ड दूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की इच्छा से वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो वो उनको कभी भी निकाला जा सकता है ऑफिस से और इनके लिए ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने देखा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट में वो मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए ठीक है या फिर क्या ग्राउंड्स है मिस मिसबिहेवियर ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं तो इन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर देते हैं और प्रेसिडेंट ही आप प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है तो प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि चलो भाई हो गया तुम्हारा काम आप निकलिए ठीक

बेसिकली हमने ये देखते हैं कि जब ये जो रिमूवल वाला जो रहता है ना या रिजाइन वाला रहता है वो तभी होता है जब सरकार बदलती है अब मान लो अब चेंज इन द गवर्नमेंट हो जाए तो तब अटॉर्नी जनरल अपने आप रिमूव हो जाएंगे क्योंकि आपको भी पता है जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपने किसी लॉयर मतलब बीजेपी अपने हिसाब से किसी बंदे को लगाएगी कि हाँ आप अटॉर्नी जनरल हैं आप हमारे बिहाफ पे केसेस लड़िए

रिन्यूमरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिन्यूबरेशन एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन अब ये सारी चीजें भी डिटरमाइन नहीं है ये सारी चीजें भी फिक्स नहीं है सैलरीज वगैरह फिक्स नहीं है सब कुछ प्रेसिडेंट के विल के अकॉर्डिंग हो रहा है अटॉर्नी जनरल में हमने देखा है कि सारी चीजें प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है प्रेसिडेंट को एडवाइज कौन कर रहे हैं सी ओ एम प्लस पी एम ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि इतनी सैलरी होनी चाहिए ये इंसान होगा अटॉर्नी जनरल इसको रिमूव कर दो ठीक है सो so, सारी चीजें यही डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि केसेस जो है, वो के हैं वो इन्हीं के खिलाफ है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं क्लियर सो so, आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी ठीक है देन अब हम बात करते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शन के बारे में कि अटॉर्नी जनरल की कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं और कौन कौन से फंक्शन होते हैं एज ए चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल इंक्लूड द फॉलोइंग टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट सरकार को एडवाइस देना ठीक है उन लीगल मैटर्स पे जो प्रेसिडेंट उनसे मांग रहे हैं ठीक है थीके? हर हर मैटर में वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैटर आए तो वो एकदम कूद के आगे जाएंगे कि नहीं नहीं मेरी एडवाइस हो जिन चीज़ पे एडवाइस मांगी है जिन चीज से जिस चीज़ पे उनको उनसे एडवाइस मांगी है उन चीज़ पे वो एडवाइस दे देते हैं क्लियर है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट और भी कोई ड्यूटीज कोई लीगल ड्यूटीज जो प्रेसिडेंट उन्हें दे रहे हैं वो ड्यूटीज परफॉर्म करना ठीक है टू डिस्चार्ज द फंक्शन कंफर्म अपॉन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंक्शन लिखे हैं वो सारे फंक्शन डिस्चार्ज करना कि सरकार के आप वकील हो अब गवर्नमेंट अब आप सरकार के खिलाफ कोई भी केसेस वगैरह होंगे कुछ भी चीजें होंगी तो ये इंसान देखेंगे क्लियर है अब बेसिकली ये आप लॉजिक से समझिए कि जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी इंसान को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेगी अपने हिसाब से रिमूव करेगी तो गवर्नमेंट अपने ही किसी इंसान को करेगी ना क्योंकि जो वकील होता है उसे सारी मतलब उसे सारी बात पता होती है कि अगर कहीं सरकार ने कुछ गलत भी किया है तो वकील को तो ऐसा रहता है ना कि सारी बात पता है उसे तो सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना है तो यूजली कोई भी सरकार हो कांग्रेस बीजेपी किसी की भी हो वो जो अपने क्लोज जो रहते हैं उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाती है ठीक है द प्रेसिडेंट है फॉलोइंग ड्यूटीज टू अटॉर्नी जनरल अब प्रेसिडेंट ने कौन कौन सी ड्यूटीज असाइन की है यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कौन कौन सी ड्यूटीज है अटॉर्नी जनरल की एक तो वो जो प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एडवाइस चाहती है तो उस पर एडवाइस देना दूसरी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उस पर एडवाइस देना तीसरी अगर प्रेसिडेंट कोई अदर ड्यूटीज देते हैं अटॉर्नी जनरल को तो वो सब वो वाली ड्यूटीज भी परफॉर्म करना तो प्रेसिडेंट ने कौन कौन सी ड्यूटीज असाइन की है एक बार उन्हें देख लेते हैं टू अपियर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेज इन सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न ठीक है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी केसेस वगैरह चल रहे हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें बोलते हैं कि आप जाइए आप हमारे बिहाफ पे लड़िए ठीक है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के अलावा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कई बार जाते हैं उन्हें भी हम समझेंगे इस लेक्चर के एकदम एंड में ठीक अभी आप इतना समझिए कि सरकार के खिलाफ कोई भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कहीं भी केस वगैरह चल रहे हैं तो वो जा सकते हैं इन्हें भेजा जाता है कि आप सरकार के बिहाफ पे लड़िए आप न्यूज़पेपर में देखते ही होंगे ना क्योंकि ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि अटॉर्नी जनरल नहीं है बोला अटॉर्नी जनरल का ये बया, बयान था सो वो क्या है वो गवर्नमेंट को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं ही इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट क्लियर

टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 फोर्टी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई एडवाइज़ मांग रही सरकार जुडिशरी से तो सरकार को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल क्योंकि इन्हें भी लॉ की समझ होती है एंड जजेस को भी लॉ की समझ होती है तो ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं अपियर वेन रिक्वायर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाईकोर्ट इन एनी केस विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडियान ठीक है ऐसा सुप्रीम कोर्ट में ही है इतने सारे हाईकोर्ट है उनमें भी सरकार के अगेंस्ट बहुत सारे केस चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो कोई भी हाईकोर्ट वगैरह में केस चल रहे हो तो भी इन्हें बोला जाता है कि आप जाइए आप देखिए उन केसेस को क्लियर है इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज अब हम राइट्स एंड लिमिटेशंस की बात करते हैं वी आर डन विद द ड्यूटीज एंड फंक्शन ठीक है देन राइट्स एंड लिमिटेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ इन परफॉर्मेंस ऑफ इस ऑफिशियल ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल हैज राइट टू राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक है अब सरकार के खिलाफ कहीं भी पूरे देश में किसी भी कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है तो ये वहां पे एज ए ऑडियंस बैठ सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है क्लियर है फर्दर हीज राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोडिंग्स ऑफ बोथ दाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और ज्वाइंट सिटिंग और एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट विदाउट राइट टू वोट अब यहां पर देखो ये पार्लियामेंट में भी पार्ट ले सकते हैं पार्लियामेंट की दोनों ज्वाइंट सिटिंग में भी पार्ट ले सकते हैं ठीक है अगर इनसे कहा गया हो तो अब मान लो कि लीगल मैटर आ गया ठीक है अपोजिशन कोई लीगल मैटर उठा रही है तो हो सकता है सरकार अटॉर्नी जनरल से बोल दे कि जाइए आप जवाब दीजिए आप पार्लियामेंट में हमारे बिहाफ पे जवाब दीजिए तो अटॉर्नी जनरल जाते हैं जवाब देते हैं उन्हें किसी कमेटी का मेंबर भी बनाया जा सकता है अगर सरकार चाहती है तो कि ये कमेटी के मेंबर रहेंगे ठीक है पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग का भी पार्ट हो सकते हैं लेकिन इनके

क्लियर है देन फॉलोइंग लिमिटेशन आर प्लेस ऑन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज अब कौन कौन से लिमिटेशन है ठीक है हमने राइट्स के बारे में बात कर लिया कि ये उनकी राइट्स है नाउ वी आर कमिंग टू लिमिटेशन ही शुड नॉट एडवाइज और हेल्प अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें वो सरकार के खिलाफ नहीं जाना है उनको ठीक है ठीक उनको सरकार वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ उन्हें नहीं जाना है ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपियर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही है कि इनको सरकार के खिलाफ नहीं जाना है ठीक है कोई भी केसेज वगैरह चल रहे तो ऐसा नहीं आप अटॉर्नी जनरल को पता हो कि सरकार ने कुछ घपला किया है तो ऐसा नहीं अटॉर्नी जनरल भी शुरू हो जाओ सरकार को डिफेंड ही करना है तभी तुमको सरकार का वकील बनाया है अटॉर्नी जनरल ने तभी तुम्हारा तो हाइएस्ट लॉ ऑफिस है क्लियर है देन कोई भी क्रिमिनल प्रोसी कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है जैसे वो किसी और के लिए केस लड़ रहे हैं ठीक है वो किसी और के लिए केस लड़ रहे हैं अगर वो किसी को बचा रहे कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है तो उन्हें सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये किसी और का केस है ये क्रिमिनल केस है तो क्या मैं उसके लिए लड़ सकता हूँ तो इन्हें पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर जनरल इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है उन्हें कोई भी कंपनी का डायरेक्टर या कोई भी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह बनना हो तो पहले उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होगी यहां पे बस ये लिखा है कि उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होगी विदाउट परमिशन वो नहीं बन सकते क्लियर है देन हाउेवर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट इट डॉट फॉल इन दैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फर्दर हि इज नॉट डिबार्ट फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस वही वाली बात आ गई जब हमने यहाँ पे देखा था मैंने आपको बताया था कि अगर वो कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है ठीक है तो वो सरकार से परमिशन लेते हैं कि क्या मैं इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन सकता हूँ क्या मैं उस इंसान को बचा सकता हूँ इसका मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम द सरकार वो किसी प्राइवेट एंटिटी को एंटरटेन तो कर रहे हैं क्योंकि सरकार का कुछ होता तो वो ऑफकोर्स सरकार को डिफेंड ही करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई प्राइवेट एंटिटी है तो यहाँ पे ये कह ही दिया गया है साफ साफ बता दिया गया है कि ये कोई फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है अटॉर्नी जनरल जो है ये कोई फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है ये अपनी कोई भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं बस इन्हें यह है कि अगर ऐसा कोई केस आया है तो सरकार से पूछना है किसी कंपनी के अगर ये डायरेक्टर वगैरह बन रहे हैं तो इन्हें सरकार से पहले पूछना है

इन एडिशन टू द अटॉर्नी जनरल देर आर अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब अटॉर्नी जनरल एक बहुत बड़ा ऑफिस है तो अटॉर्नी जनरल के कुछ असिस्टेंट भी तो होंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि हर केस में अटॉर्नी जनरल का बैठना या अटॉर्नी जनरल का जाना जरूरी नहीं है कहीं कहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी चले जाते हैं क्लियर है दे आर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरे होते हैं दूसरे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देखो सबसे अच्छा समझना है ना तो ऐसा समझो सबसे ऊपर हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है सबसे ऊपर हाईएस्ट ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल ए जी ठीक है अटॉर्नी जनरल देन सॉलिसिटर जनरल देन असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जनरल देखो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है अटॉर्नी जनरल देन सॉलिसिटर जनरल देन असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ये तीनों वकील ही हैं ये सब सरकार को ही प्रोटेक्ट करेंगे इनका वही है कि गवर्नमेंट को डिफेंड करना है इनका काम वही है लेकिन ये इनकी हेरार की आप हेरार की समझते हो ना टीचर फिर वाइस प्रिंसिपल देन प्रिंसिपल तो ये वही ये बस हैरारकी ही है इनकी ठीक है आगे समझ में इससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि एक पूरी हैरारकी है जिनको काम है गवर्नमेंट को डिफेंड करना और ये इस तरीके से काम करते हैं क्लियर है देन दे असिस्ट दे असिस्ट अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑफिस ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका काम क्या है कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं कि उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी करे ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अटॉर्नी जनरल की कि सरकार को डिफेंड करना है सुप्रीम कोर्ट में क्लियर या अदर कोर्ट्स में या सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है इट शुड बी नोटेड

एट द गवर्नमेंट लेवल एक लॉ मिनिस्ट्री अलग होती है वो सारे लीगल मैटर्स देखती है ठीक है आगे आपको ये चीज़ें समझ में सॉलिसिटर जनरल की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बात नहीं कही गई है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई है ये सिर्फ अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए ठीक है अब सरकार के इतने सारे केसेस होते हैं इतनी सारी चीजें होती है तो उनको सिर्फ एक अकेला इंसान कैसे हैंडल करेगा तो सॉलिसिटर जनरल और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल उनको हेल्प करते हैं ये जो हायरार्की है इस तरीके से यहाँ पे काम होता है क्लियर है आई होप आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है इसमें आपको क्लैरिटी हो गई होगी सो so, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद